अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली खान। आज का हमारा मौजू कि मियाँ बीवी अपने ताल्लुकात आपस में किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली खासतौर पर उन लोगों के जिनके यहाँ आए दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लड़ाई झगड़ों की असल वजह क्या होती है, हमारा जहन किस तरह से काम करता है, क्यों बात हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले के साथ हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता, जबकि कुछ अरसे पहले तक जो है शायद जो है वो बहुत तवील मोहब्बत भी हो, बस लव स्टोरीज ऐसी सामने आती हैं, अफेयर इतने साल चला, शादी के बाद अब गुजारा मुमकिन है। हमारा जहन लाइकनेस और डिसलाइकनेस प्रोड्यूस किस तरह से करता है, क्या चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमें कब कौन सी चीज अच्छी लगेगी और कब कौन सी चीज बुरी। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले ये समझा दूं कि हमारा जहन किस तरह से काम करता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज कोई बात सुनी हो और अचानक वो सुनते ही आप मासी की कुछ यादों में चले गए हो, किस कोई गाने का कोई मिसरा सुना हो और अचानक से आपको मासी की कुछ यादें आ गई हो, कोई तस्वीर पे कोई कोई पिक्चर देखती हो और आप 20 साल पहले अपने जो है वो बचपन में चले गए हो, कोई ऐसी चीज जो आपके माजी को आपसे ट्रिगर करे, कोई कोई ऐसी बात जो सुन के आप अचानक उदास हो जाए, कोई ऐसी बात जो सुन के आप फौरन खुशी से भर जाए कि ओहो ये तो मेरे बचपन की बात है, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो आप कनेक्ट कर रही है और आपको ऑटोमेटिकली पीछे लेके जाए। इसको माइंड साइंस या पर्टिकुलरली एनएलपी में कहते हैं एंकर, यानी एंकर वो चीज होती है, एक ऐसा स्टिमुलस होता है कि जैसे ही वो हमें नजर आता है ये सुनाई देता है तो हमें माजी की कुछ यादें साथ आ जाती, हमारा माइंड उस चीज से एसोसिएट हुआ हुआ होता है, हमारी जिंदगी लातादात एंकर से उतरी हुई। इसको मैं मजीद वजाहत इसकी करता जाऊं, एग्जाम्पल सब दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह हमारा माइंड एक चीज को दूसरी चीज से एसोसिएट करता है, जिसकी वजह से जब एक ट्रिगर होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक हस्बैंड है, वो घर पे आते हैं, ऑफिस से गुस्से में आते हैं, बॉस ने शायद कुछ कहा हो या जॉब नेचर इस तरह की, और आते ही सबसे पहले बीवी की शक्ल देखते हैं, दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है, तीसरे दिन भी होता है जॉब में। अब ये क्या हो रहा है कि वो एक नेगेटिव इमोशन के साथ है और आते ही जो उनको स्टिमुलस मिल रहा है वो नेगेटिव इमोशन एसोसिएट किससे हो रहे हैं, बीवी से। अब कुछ दिनों बाद इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि असल वजह क्या है, हस्बैंड को लगता है कि बीवी में शायद कोई मसला है, बीवी को लगता है कि हस्बैंड हमेशा गुस्से में रहे, लेकिन एक्चुअली जो जहन काम कर रहा था वो ये कि वो किसी और की नेगेटिविटी एसोसिएट होती जा रही थी बीवी से, जिसकी वजह से अब चूंकि वो स्टिमुलस बन चुकी है, अब जब भी बीवी की शक्ल देखेगा तो गुस्सा है। हम क्या समझेंगे कि जी किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कोई लोग हमसे खुश नहीं है, हसद है लोगों को, किसी की नजर लग गई इस जोड़े को, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, हमें पता ही। अच्छा फिर किसी गलती से किसी बाबा के पास चले जाए तो फिर वो भी कुछ किसी तरह के आगे स्टेटमेंट देते हैं कि आपका ईमान और यकीन और पक्का हो जाता है कि वाकई कुछ करा है, ऐसा नहीं है। आप इसी ये बेसिकली क्या हुआ है, एंकर हुआ है। जब भी आप किसी भी एक खास स्टेट के अंदर होंगे, इमोशनल स्टेट में, उस वक्त जो भी काम आप रिपीटेडली करेंगे उस स्टेट के अंदर रहते हुए वो आपका एंकर बनेगा। इसी को आप पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक तो ये कि अगर अब तक की बात किसी को नहीं समझ में आई है, परेशानी, आगे जो एक्सरसाइज है ना आप सर उसको फोकस करेंगे। तो मैंने तमहीद बानी थी कि कुछ लोगों को बैकग्राउंड चाहिए होता है कि क्या साइंस कैसे काम कर रही है, एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है। अगर आपके तनाव खराब रहते हैं या सही भी रहते हैं और आप मजीद इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, मजीद अपने माइंड की पावर को इस्तेमाल करके अपने रिलेशनशिप के अंदर जबरदस्त किस्म की तब्दीली लाना चाहते हैं, आपको करना क्या, मिसाल के तौर पर आप एक हस्बैंड हैं और वाइफ जो है वो उससे आपके तालुकात बेहतर नहीं है, गुस्सा है, अनबन है वगैरह या इवन नहीं भी, करना क्या है कि ये जो मैंने बताया था ना कि नेगेटिव
स्टेट में आते हैं और फिर पॉजिटिव उस वाइफ को देखते हैं तो उन्हें नेगेटिव एंकर लग जाता है। आप इसको रिवर्स कर दो, जब भी जिससे भी ताल्लुकात खराब हो आपको करना ये है कि आपने इमेजिन करना है, अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि आपके उस शख्स के साथ, मिसाल के तौर पर अगर मिसाल ले ली जाए कि हस्बैंड और वाइफ है और आप हस्बैंड हैं, तो आपने ये देखना है इमेजिनेशन में अपनी बीवी के साथ आपके जो सबसे अच्छा टाइम, सबसे खुशगवार लम्हात है उसको रिकॉर्ड, उसको याद करो। इतना याद करना है कि आपको वो जज्बात फील होने लगे, वो खुशगवार एहसास फील होने लगे, जो भी कभी भी आपका अच्छा टाइम गुजरा हो, जब वो फीलिंग आप महसूस करने लगे कि हाँ इस वक्त मेरे अंदर वो फीलिंग आ गई है, मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे इतने अच्छे तालुकात से, तो फिर आपने आंखें खोल ली है और सामने अपनी वाइफ को देखना है। कोशिश कीजिएगा कि ये एक्सरसाइज उस वक्त की जाए जब वो सामने मौजूद हो। एक से दो सेकंड के लिए आपने आंखें खोलनी है और फिर उसको देखना है और उसके बाद फिर बंद। उसके बाद आपने किसी दूसरे वाक्यों के बारे में सोचा, सेम एक से डेढ़ मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, जितना आपको टाइम लगता है वहां से करें कि जब आप वो मंजर आपके सामने हो तो उसमें जो उसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा हो, कलरफुल पिक्चर्स हो या मूवी की सूरत में हो, साउंड बहुत क्लियर हो उसके अंदर, फीलिंग बहुत ज्यादा हाइटेंड फीलिंग हो, मतलब आप महसूस कर रहे हैं उस खुशगवार एहसास को उस। उसके बाद जब आप फुली एसोसिएट हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैं फील करने लगा हूँ, वही चाहे वो 5 साल पहले की बात हो, 10 साल पहले के खुशगवार लम्हात हो या 2 दिन पहले के हों, आपने उसके बाद फिर जब वो एहसास फील करने लगे तो उसके बाद फिर आंखें खुलनी है और सामने वाइफ को देखना है। सेम वाइफ भी हस्बैंड के साथ ही काम कर सकते, या इनफैक्ट अगर वाइफ और हस्बैंड नहीं है तो किसी दूसरे रिश्ते के साथ भी आती है, किसी दूसरे शख्स के साथ भी आपके काम कर सकते, अपने बॉस के साथ भी कर सकते हैं, बस आपके पास खुशगवार लम्हात उस शख्स से मिलकर। उसके बाद फिर आंखें बंद करिए, उसके बाद फिर 4 से 5 इवेंट्स आपको लेके आने, 4 से 5 कुछ सवाल लम्हात वन बाय वन करके आपको लेके आने। उसके बाद हर बार आप क्या करोगे, एसोसिएट करोगे उन लम्हात को, उस फीलिंग को उसके साथ वाइफ के साथ। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। आप देखोगे अचानक से आपकी वो फीलिंग्स हैं जो 2 दिन पहले बात भी नहीं करना चाहते थे, आप शक्ल देखने का वादा नहीं कर रहे थे, अब वो फीलिंग तब्दील हो चुकी है। बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ आवर माइंड, क्योंकि वो जो नफरत आप कर रहे थे, वो जो दिल आपका नहीं चाह रहा था आपसे बात करने का, वो भी हमारा जहन ही तो कर रहा था सारा कुछ। वो नफरत भी तो हमारा जहन ही लेके आता है जब हम किसी को इतना डिसलाइक करते। इनफैक्ट अगर आपकी आपस में कोई अनबन भी हो गई है तो आपका भी फीलिंग चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ भी ऐसा ही करे तो उसको भी ये वीडियो शुरू दिखा दीजिए, लेकिन आप अपने तौर पे ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब सवाल ये एक और आएगा कि जी वो तो झगड़ा हो गया था वाइफ तो मेके में, अब मैं क्या, तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी की पूरी करनी है कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ, मैं चाहूंगा, क्योंकि होता है कि जब इस तरह के झगड़े होते हैं तो दोनों जो अभिप्राय होते हैं ना वो दोनों अपनी तरफ अटल होते हैं, बोलते हैं वो सामने वाला झूठे, वो बोलता है मैं क्यों झूठ, सामने वाला। तो आपको सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी कबूल कर लेनी है कि मुझे कुछ इकदाम करने, यही काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर पिक्चर है तो ये काम आप पिक्चर के साथ, जब आप आंखें खोलें तो पिक्चर सामने, वो भी ना हो किसी के पास तो खाली इमेजिनेशन करता रहे ताकि उसका माइंड जो है वो प्रोग्राम होता चला जाए और वो जो नेगेटिव थिंकर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो। ये एक्सरसाइज आप करके देखिए, यकीन जानिए आपको बेइंतहा इससे फायदा होगा। आपका माइंड जो कि अचानक से किसी चीज से नफरत करने लग जाता है, वो सिंपल सी उस एक्सरसाइज के जरिए आप उसको चेंज कर सकते। उम्मीद ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ऐसे लोगों जिनको आपको लगता है कि जिनके आप मसाइल है रिलेशनशिप के हवाले से, उनसे इसको लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।